हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर आपका स्वागत करता हूँ अमित क्लास यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि दो दिन से हम वीडियो नहीं अपलोड किए थे, उसके लिए आई एम सॉरी। सो अब कंटिन्यू रहेंगे और आपका ये पांचवा लेक्चर है रेशियो का, तो ध्यान से देखिए। और मैं आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए जो कि आपको रेशियो और अगले चैप्टर बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिए और पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कैसे बना दे। और ये इतना सिंपल कंसेप्ट है, इतना सिंपल कि किसी को भी समझ में आ जाएगा कि क्या किया जा रहा है इसमें, ठीक है। आप लोग ट्रिक के पीछे नहीं भागे, कंसेप्ट सीखिए और अंगणित को चुटकी में सॉल्व कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन लेकर आए और उसको ध्यान से देखिएगा। कुछ सिंपल क्वेश्चन है और कुछ आपका हार्ड क्वेश्चन है जो कि ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए, लिखा हुआ है, एक टोकरी में रखे फलों में सेब आम तथा संतरों की संख्या, सेब आम तथा संतरों की संख्या में 2/3, 1/5 और 1/2 का अनुपात है। यदि आम तथा संतरे की संख्या का कुल योगफल 315, आपको बताया थे ना कि निश्चित राशि होता है, एक दिया हुआ था 315, यहाँ पर निश्चित राशि है। और इन निश्चित राशि को जो यहाँ पर अनुपात है उससे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करते हैं, और जो निकालना रहता है उससे हम गुणा कर देते हैं। देखिए तुलना कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ उसको तो सिंपल अनुपात में चेंज किए, तो लिखेंगे हम यहाँ पर सेब, और हो गया दूसरा आम, और तीसरा हो गया संतरा, ठीक है। इसको अनुपात को क्या करें, अनुपात है तो 2/3, 2/3, 1/5, 1/2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 होगा, तो 2/3 है और उसके बाद 1/5 है और 1/2 है, तो यहाँ पर 30 हो गया था। 10 या 30 करेंगे तो 10 या 30, 10 दुनी 20 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 5 30 आ जाएगा, उसके बाद 15 दुनी 30 आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। इतना आ गया, 20 6 और 15 आ गया आपका अनुपात। अब 315 को हम लोग को तुलना करना था, 315 लिख दीजिए। अब उसके बाद 315 दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है आम और संतरे की संख्या का कुल योगफल, तो यहाँ पर आम और संतरा कितना है, 5+6 कितना हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 21 से इसको तुलना कीजिए। कह रहा है सेब की संख्या, तो सेब कितना है, 20 है, तो 20 से क्या कर दीजिए, गुना कीजिए। इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो कट जाएगा 15 से, तो 15 दूनी 30 यानी हो जाएगा 300 रुपये आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एकदम बारीकी से समझिए कि कैसे हम सोल्व करते हैं और इसी के आधार पर सारे अर्थमेटिक को यही नियम से तोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, एक गाय तथा बैल के मूल्यों में 12:7 का अनुपात है, ठीक है। यदि गाय का मूल बैल के मूल से 4,000 रुपया अधिक है, यहाँ पर निश्चित राशि है 4,000 रुपया अधिक, तो बताएं गाय का मूल क्या है। अब देखिए कितना आसान है, हम क्या बोले थे आपको, कि बोले थे कि अधिक रहे या कम रहे उसका मतलब अंतर, मतलब 4,000 रुपया जो दिया हुआ है यहाँ पर, 4,000 जो दिया हुआ है वो गाय और बैल के मूल्यों में अंतर दिया हुआ है, तो मूल्यों में अंतर कितना है पर 12/7, तो 12/7 में कितना अंतर होगा, 5 का अंतर होगा। निकालने के लिए आपको कह रहा है गाय का मूल, तो गाय का यहाँ पर कितना है, तो 12, इसको 12 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए ना, आसान है एकदम, तो 8 5 40 अब 12 8 96 आपका आंसर होगा, ठीक है, कितना आसान है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। पेंसिल, पेन और कॉपी के मूल्यों में 3 4 और 8 का अनुपात है, ठीक है। यदि एक पेंसिल दो पेन का मूल 165 रुपये, ये जो 165 रुपया दिया है वो क्या दिया हुआ है, तो एक पेंसिल और दो पेन का मूल दिया हुआ है, तो कर अब 5 पेंसिल 1 पेन और 2 कॉपी का मूल निकालना, तो 165 का देखिए तुलना कैसे करेंगे। सबसे पहले अनुपात तो जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, यहाँ पर ये जो है पेंसिल, यहाँ ये 3 है, ये 4 है, ये 3 हो गया, पेंसिल का 3 हुआ, पेन का 4 हुआ और कॉपी का 8 हुआ, ठीक है। तो 165 यहाँ पर लिख दीजिए आप, सबसे पहले 65 लिख दीजिए, 165। अब क्या निकालना है, एक पेंसिल, तो एक पेंसिल के यहाँ पर एक पेंसिल ये है और दो पेन, तो दो पेन ये, तो 4 दुनी 8 और 3 यानी 11, इससे हम क्या कर दें,
तुलना कर दी। अब हमको निकालना है क्या, निकालना है पांच पेंसिल, एक पेन और दो कॉपी। तो पेंसिल के सामने ही, पेंसिल के जो सामने यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेगा पांच, यहाँ पर पेन है तो एक, और कॉपी है दो, तो दो यानी आठ दुनी सोलह, और सोलह चार बीस, और यहाँ पर पंद्रह, तो बीस और पंद्रह पैंतीस से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको काटिए, एक से काटेंगे तो पाँच बचेगा, ग्यारह बचे पचपन, तब पंद्रह अगुने पैंतीस, जब आप पंद्रह अगुने पैंतीस कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 525 आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे कीजिए और उसको देखिए फिर से कि कैसे कैसे किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन अगला है, आसान बहुत है, सब फटाफट करना है। लिखा हुआ टू ए बराबर थ्री बी बराबर फाइव सी है, तो ए बी सी में अनुपात है, यहाँ पर ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, सीधा उल्टा कर दीजिए, एक बटा दो, एक बटा तीन और एक बटा पाँच, ये अनुपात आ गया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तीस आएगा, तो पंद्रह दूनी तीस, पंद्रह दूनी तीस हो गया, दतिया तीस हो गया और छः पचे तीस हो गया, यानी पाँच दस और छः इसका अनुपात हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ए बी एक बटा तीन ए बराबर एक बटा चार बी बराबर एक बटा तीन सी, तो ए बी और सी में अनुपात आ जाएगा कितना, उल्टा कर दीजिए, तीन चार और तीन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा उल्टा करना है, बराबर आएगा तो सीधे उल्टा करना है, यहाँ भी बराबर है इसको उल्टा किए। ठीक है, ध्यान से एकदम देखते रहिए आप लोग, चौबीस नंबर में है ए ए बी और सी, इसमें भी बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे ए, उसके बाद बी, यहाँ पर सी, तो उल्टा कीजिए, तीन बटा दो, फिर चार बटा पाँच है तो पाँच बटा चार, फिर एक बटा दो है तो दो। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, चार, तो चार तो यहाँ पर चार लिखेंगे तो दो दुनी तो तीन दुनी छः, ये तो पाँच, चार से चार कट जाएगा तो पाँच बचेगा, चार दुनी आठ हो जाएगा, यानी छः पाँच आठ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पच्चीस नंबर, पच्चीस नंबर में लिखा हुआ है एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग, ए के भाग, ए के भाग का दोगुना मतलब टू ए है। ठीक है, बी के भाग का चार गुना तथा सी के भाग का तीन गुना आपस में बराबर है तो टू ए लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चार बी बराबर क्या लिखेंगे, बराबर तीन सी, तो ए बी सी में आप नहीं निकाल सकते हैं, एक बटा दो, एक बटा चार, एक बटा तीन, इसका एलसीएम से सब में क्या कर दिया, गुना कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, गुना करके देखिए। अगला चलिए, छब्बीस नंबर, छब्बीस नंबर में क्या है लिखा हुआ, ए का पाँच प्रतिशत यानी ए का पाँच प्रतिशत, ठीक है, बी के पच्चीस प्रतिशत है, बी का पच्चीस प्रतिशत क्या है, दोनों को बराबर दिया हुआ था, पहले परसेंटेज से परसेंटेज सीधे काटिए, कैसे काटता था, एक बटा सौ दो रो तो बराबर और नीचे कट जाएगा, पापचे पच्चीस यानी बी में पाँच आ गया, ए में एक है तो ए या बी, तो बी बोला ए में चल जाएगा, ए बोला बी में चल जाएगा, तो बी में पाँच है तो यहाँ पर पाँच, इसमें एक आ जाएगा, यानी पाँच अनुपात एक आपका आंसर होगा। ठीक है, सत्ताईस नंबर देखिए, लिखा हुआ ए का चार बटा पंद्रह बराबर बी का तीन बटा पाँच, तो चार ए बटा पंद्रह बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा तीन बी बटा पाँच। ओके, तो पाँच या पंद्रह ये हो जाएगा नौ, यानी ए और बी में कितना आ जाएगा, ये आया नौ बी में तो आ जाएगा ए में, यहाँ पर चार है तो यहाँ पर चार, यानी नौ और चार आपका अनुपात आंसर हो जाएगा। ठीक है, अट्ठाईस नंबर देखिए, अट्ठाईस देखिए, एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि ए का एक बटा दो गुना, बी का दो बटा तीन गुना तथा सी का चार बटा पाँच गुना आपस में बराबर, तो ए बी सी में निकालना, कितना आसान है। देखिए ए का एक बटा दो, तो ए ए का एक बटा दो तो ए बटा दो, एक ए बटा दो आ जाएगा बराबर, बी का दो बटा तीन तो टू बी वाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, बराबर सी का चार बटा पाँच तो बराबर चार सी बटा पाँच आएगा। ओके, अब निकालना ए बी, ए बी सी तो क्या किए थे आपको बताएं हम कि उल्टा कर दीजिए इसको, ये एक बटा दो है तो दो हो जाएगा, ये दो बटा तीन है तो तीन बटा दो हो जाएगा, पाँच बटा चार है, चार बटा पाँच है तो आ जाएगा पाँच बटा चार, एल सी एम से गुना कीजिए, एल सी एम कितना आएगा चार, तो चार दुनी आठ। ठीक है, यहाँ पर दो तो तीन दुनी छः, यहाँ पर पाँच, आठ छः और पाँच आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के
0.07 के बराबर है। तो एक संख्या का आधा मतलब ए बटा टू, ए बाई टू। दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या कितना के बराबर, तो दूसरी संख्या मतलब बी गुने सात, इसका मतलब है 7/100 के बराबर है ना। अनुपात दिया होता 7, तो इसको क्या करेंगे 50 से काट देंगे। तो 50 से काट देंगे तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो 50 चल जाएगा ए के पास, तो आ जाएगा बी में, और बी वाला में 7 है तो आ जाएगा यहाँ पर 7:50 आपका आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 30 क्या है। लिखा हुआ है पी प्लस क्यू का 20%, पी माइनस क्यू का 50% हो। तो कितना आसान है, पी और क्यू में आपका अनुपात निकालने के लिए, हाँ पी और क्यू ज्ञात करना है। तो पहले पी और पी प्लस क्यू का निकालिए, पी प्लस क्यू का 20% का 20% बराबर है पी माइनस क्यू का 50%, सॉरी पी माइनस क्यू का 50% है। ठीक है, इसको प्रतिशत से प्रतिशत क्या कीजिए, काट दीजिए, और यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य काट देंगे तो आ जाएगा पी प्लस क्यू, और पी माइनस क्यू में आपका अनुपात हो जाएगा। तो 5 चला जाएगा इसके पास और 2 चला जाएगा इसके पास। तो पी और क्यू में निकालना है, तो इसमें बड़ा कौन है, पी है, क्योंकि पी से क्यू में घट रहा था, बड़ा पी है। तो पी का निकालना था, जोड़ के 2 से भागा दीजिए, तो 5 × 2 7/2 यानी 7/2 आ गया, और घटा के तो क्यू का माना था 5 में से 2 गया 3, तो 3/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 काट दीजिए तो 7:3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ 5 केले का मूल 3 संतरा के मूल के बराबर है। तो बताए एक केला और एक संतरा का मूल, तो अनुपात निकालते हैं तो एक का आता है, इसका मतलब सीधे में ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो सीधे लिख ना दीजिए, उतना करने का जरूरत नहीं, केला लिखिए यहाँ पर, संतरा लिखिए। तो केला वाला जो है वो संतरा में लिख देना है, संतरा वाला जो केला में लिख देना है। तो केला में 5 है तो चल जाएगा संतरा में, और यहाँ पर संतरा में 3 है तो चलाएगा केला में, यानी 3:5 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है 7 संतरा का मूल 5 नींबू के मूल के बराबर है। तो बताएं 5 संतरा और 3 नींबू के मूल का अनुपात। तो पहले एक का होके निकाल दीजिए, तो यहाँ पर संतरा लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख दें, नींबू। ओके, तो नींबू वाला संतरा के पास, तो 5 है यहाँ पर 7, कह रहा है कितना कितना कहता है 5 और 3, तब यहाँ में 5 से गुना करेंगे 25, इसमें 3 से गुना करेंगे 21, यानी 25:1 आपका 21 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 5/3 है। ठीक है, तो जिसमें काल लगा हुआ रहता है उसके बगल वाला, यानी यहाँ पर जिसमें काल लगा हुआ है, लड़कियों की संख्या में काल लगा हुआ, तो हर मान लेंगे इसको, तो लड़की वाला में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर जब लड़की लिखेंगे तो 3 हो गया, का जिसमें लगा हुआ 3, और लड़का वाला में क्या हो गया, लड़का का जो हो गया, लड़का का हो गया 5। अब आगे क्या कह रहा है, आगे है एक निश्चित राशि, यदि छात्रावास में कुल 85 लड़के हैं, यहाँ पर 85 जो है निश्चित राशि है, तो 85 की तुलना आप कीजिए उसी से। तो 85 दिया हुआ है क्या, तो छात्रावास में कुल लड़का दिया होता है, यहाँ पर कुल लड़का कितना है 5 से, इसको तुलना कर दीजिए। तो कह रहा है बताए कि छात्रावास में कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी के मतलब 5 × 3 = 8 से गुना 17/85 हो गया, और 17×8 = 136 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, कितना आसान है। अगला चलिए, ऐसा है बहुत सा क्वेश्चन हम लोग पहले रेशियो में ही कर लीजिए, इतना क्वेश्चन कीजिए रेशियो में ही कि आगे कोई दिक्कत ना, और रेशियो में हम सारे चैप्टर से इसमें इंक्लूड किए हैं, जो भी चैप्टर हो सबसे इनमें इंक्लूड किए हैं। और जब पूरा रेशियो बन गया, रेशियो पूरा बन गया, बहुत सा वीडियो आएगा आपको रेशियो में, जब पूरा रेशियो बन जाएगा तो पूरा अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे मैथमेटिक्स को रेशियो में ही डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए और पूरा देखिए, पूरा सेशन को देखिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 3/7 है। इसका मतलब देखिए, पूरा मिश्रण क्या कितना दिया हुआ है, तो पूरा मिश्रण का लगा हुआ है, तो पूरा मिश्रण नीचे वाला यानी 7 हो गया, तो पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो गया 3, यानी 3:7
सात। अब कह रहा है यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी हो तो 24 लीटर यहाँ पर निश्चित राशि है, 24 राशि जो 24 दिया हुआ क्या दिया हुआ, तो पानी का अनुपात, पानी का ये जो है 24 जो पानी दिया हुआ है तो पानी का तुलना पानी से कर दीजिए तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। तो कह रहा है मिश्रण में कुल मात्रा क्या है, तो मिश्रण में यहाँ पर कितना है मिश्रण, तो बताएं कि मिश्रण में कुल मतलब मिश्रण का कुल कितना मात्रा है, यही कह रहा है ठीक है। तो पूरा कितना है सात, तो सात से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 8 3 24 तो 8 7 56 आपका आंसर होगा हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। अगला चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ एक वस्तु का क्रयमूल विक्रयमूल, एक वस्तु का क्रयमूल उसके विक्रयमूल का, विक्रयमूल का लगा हुआ विक्रयमूल मतलब विक्रयमूल इसका कितना हो जाएगा, तो विक्रयमूल नीचे वाला हो जाएगा था 5, तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, तो क्रयमूल हो जाएगा 3। अब कह रहा है क्रयमूल 1050 है, तो 1050 का तुलना क्रयमूल से कीजिए, तो क्रयमूल यहाँ 3, तो 3 से इसको तुलना कर दीजिए, कह रहा है विक्रयमूल निकालेंगे तो 5 से इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, इसको काटिए ना, इतना तो आसान है इसको काटना, तो 3 3 9 एक बजेगा 3 5 15 यानी 350 आ गया, तो 350 तो 5 5 25 के 5 2 और 5 3 15 2 17 यानी 1750 आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 37 नंबर है, लिखा हुआ एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को पूरा धनराशि का 7/10 गुना प्राप्त हुआ, बी को पूरा धनराशि का, तो पूरा धनराशि में का लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा धनराशि लिख दीजिए कितना लिखेगा 10, तो बी को कितना प्राप्त हुआ 7, तो ए को कितना प्राप्त होगा 3, बिल्कुल सही। अब कह रहा है ए और बी भागों में 2000 का अंतर है, तो यहाँ 2000 जो दिया हुआ है अंतर दिया हुआ किसके किसके बीच, तो ए और बी के बीच, तो यहाँ पर अंतर कितना है 4, निकालना है हमको क्या, तो ए का भाग, ए का भाग बताना है, तो ए का भाग कितना है 3, तो 4 से काटेंगे तो 4 5 20 तो 5 3 1500 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। इतना आसान, इतना आसान मत कहिए, सिर्फ देखते रहिए देखते रहिए, कॉपी कलम रखिए, क्वेश्चन को उतारिए, पहले बनाइए, उसके बाद जो हम बना रहे हैं उसके आधार पर बनाने का कोशिश कीजिए, आप सिर्फ आप रेशियो तक प्रैक्टिस कीजिए ना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, पूरा मैथ हो जाएगा, ये मेरा वादा है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ 38 नंबर में, लिखा हुआ चीनी का वर्तमान मूल प्रारंभिक मूल का 5/3 गुना हो, प्रारंभिक मूल का, यहाँ पर लगा हुआ का किस में, प्रारंभिक मूल में, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले प्रारंभिक मूल, प्रारंभिक मूल हो जाएगा नीचे वाला, तो वर्तमान वाला कौन हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा ऊपर वाला 5 ओके। अब कह रहा है यदि चीनी के मूल में 7 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो जाए, मतलब जो 7 दिया हुआ है वो वृद्धि दिया हुआ है, तो पहले था 3 हो गया 5, तो वृद्धि कितना हुआ यहाँ पर 2 का हुआ, तो 2 से इसको क्या कर दीजिए तुलना कर दीजिए ठीक है। तो अब क्या करा कि बताएं कि वर्तमान में 7 किलोग्राम चीनी का मूल क्या हुआ, तो वर्तमान में अभी कितना है 5, तो जब 5 से गुना करेंगे तो 1 किलो का निकला, अब 7 किलो को निकालना है तो इसको हम क्या कर देंगे 7 से गुना कर देंगे ठीक है। तो जैसे ही 7 से गुना किए तो इसको क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 7 7 49 अगुने 5/2 आपका क्या, ये इसको इसके बाद इसको भागा दीजिए तो 9 5 45 के 5 4 और 4 5 20 4 24 / कितना हो जाएगा 2 ठीक है। तो इसको जब भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा आपका 122.5 ठीक है ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, 39 लिखो, यदि पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के 30% के बराबर हो, पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के 30% के बराबर हो, तो ए और बी में अनुपात, प्रतिशत प्रतिशत काट दीजिए 5 6 30, तो बी में 6 है तो ए में आ जाएगा 6, अब बी में 1 है, ए में 1 है तो यह आ जाएगा बी में नीचो अनुपात का आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, अगले एक पहली संख्या का 0.5
पहली संख्या का 0.5 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करना है, पहली संख्या मानते हैं ए, तो ए का 0.5 का मतलब 5/10 बराबर बी के 0.07 यानी 7/100 है, ठीक है। तो 10 × 100 यानी आ गया 50 यहाँ और 7 यहाँ, तो ए में कितना है, ए का है, ये दोनों गुना करेंगे तो 50 होगा, तो 50 वाला चल जाएगा बी में, यानी यहाँ पर ए जो आएगा वो 7 आएगा, बी में जो आएगा वो 50 आएगा, यानी 7:50 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक क्वेश्चन लिए, और मोटिवेट रहिए और सेशन को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना आप इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और उसके बाद जय हिंद।